यही है कि गहलोत के नाम पर राहुल गांधी ने मुहर लगा दी है। शाम तक अशोक गहलोत के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। गहलोत को कमान देने की जैसे ही खबर सामने आई, सूत्रों के हवाले से ही सही, गहलोत समर्थक जश्न में डूब गए। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जयपुर में जो अशोक गहलोत का घर है वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, जमकर जश्न हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमने लगे कार्यकर्ता और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये कहा जाने लगा कि लगभग ये तय हो गया है और ये कम्युनिकेशन भी हो गया है कहीं न कहीं से कार्यकर्ताओं के बीच में। यह संदेश भी पहुंचा है कि अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लग गई है। तो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दूसरी तस्वीर है जब जयपुर के लिए निकले थे अशोक गहलोत। आज सुबह सुबह मुलाकात हुई थी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों पहुंचे हुए थे। पहले सचिन पायलट की मुलाकात हुई थी, लेकिन उससे पहले केसी वेणुगोपाल जो कि ऑब्जर्वर थे वो राहुल गांधी से मिले थे। अकेले गाड़ी में भी दोनों नेता बाहर निकले थे, उनसे बातचीत हुई थी। उसके बाद सचिन पायलट की मुलाकात होती है, सचिन पायलट की मुलाकात के बाद वहां पर अशोक गहलोत पहुंचते हैं और इस बीच प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचती है। प्रियंका गांधी करीब एक घंटे तक राहुल गांधी के साथ रही और जब अशोक गहलोत भी अंदर गए थे उस वक्त भी प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी। अब सवाल यह है कि अशोक गहलोत भारी कैसे पड़े, आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। अनुभव के लिहाज से पायलट पर भारी पड़े, 2019 की रणनीति के लिहाज से ज्यादा मुफीद है, अनुभव है, संगठन पर पकड़ है। प्रियंका गांधी भी कहा जा रहा है कि गहलोत के हक में थी और करीब एक घंटे तक जब थी तो उस दौरान अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंचे थे और उनके पक्ष में उन्होंने अपनी बात रखी थी। 70 से ज्यादा जो विधायक है, कल विधायक दल की जो बैठक हुई थी, जो सहयोगियों ने हमको वहां से खबर दी है कि 70 से ज्यादा विधायकों ने ये कम्युनिकेट किया केसी वेणुगोपाल को कि अशोक गहलोत को ही कमान दी जाए। तो ये सारे फैक्टर्स भारी पड़े हैं, अशोक गहलोत पर भारी पड़े हैं और यही वजह है कि अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगाई है राहुल गांधी ने। और सीधे जयपुर चलते हैं। उदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, अशोक गहलोत के घर के बाहर समर्थकों का जश्न, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि औपचारिक ऐलान भले नहीं हुआ है लेकिन अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लग गई है। जी राकेश, मैं इस वक्त पीसीसी ऑफिस पे मौजूद हूं और यहां का नजारा दिखाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अशोक गहलोत के निवास से ही यहां आ रहा हूं। अशोक गहलोत के सिविल लाइन्स निवास पर खुशी की लहर फैल गई थी जब वो खबर आई थी। सूत्रों के हवाले से हमने इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर भी चलाई थी कि अशोक गहलोत का नाम तय है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है जो शायद आज शाम 5 बजे हो सकता है। वहां पटाखे फूटने लग गए थे, समर्थकों में खूब नारेबाजी हुई। समर्थक ये कहे आ रहे हैं कल से राकेश कि अगर कोई इंसान है जो पूरे पार्टी को साथ लेके चल सकता है 2019 लोकसभा चुनाव की तरफ, 2019 लोकसभा चुनाव में भी बढ़िया प्रदर्शन ला सकता है जैसे राजस्थान चुनाव में देखने को मिला, तो वो अशोक गहलोत ही है। मैं आपको ये बता दूं, चुनाव के दौरान हमने तमाम एनालिस्ट से बात की थी, उन सब ने कहा था कि सचिन पायलट अगर 120-130 सीट ला सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए तो वही सबसे प्रबल दावेदार रहेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए, मगर वो नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी 99 पर ही रुक गई, कांग्रेस पार्टी को एक अन्य राष्ट्रीय लोकदल के विधायक की जरूरत पड़ गई है और काफी बाकी निर्दलीय भी जो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अगर इन सबको साथ लेकर चलना है तो अशोक गहलोत से बेहतर कोई दावेदार नहीं है। वहां आज बस्ती की भी विधायक आ रखे थे जो निर्दलीय हैं, जो कांग्रेस से बागी हुए थे उस चुनाव में, और वह भी हमें ये एक्सक्लूसिव हमें बातचीत की हमसे और उनने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि उन्होंने समर्थन अशोक गहलोत को दिया है, कांग्रेस पार्टी को नहीं, और यही नजरिया बाकी निर्दलियों का भी है। तो शायद ये सब को देखकर आलाकमान ने यह फैसला लिया है। औपचारिक ऐलान जैसे मैं कह रहा हूं अभी बाकी है। मैं आपको पीसीसी का नजारा भी दिखाता हूं। कल जैसे आपको याद होगा राकेश, यहां पे खूब नारेबाजी चल रही थी सचिन पायलट के पक्ष में, सचिन पायलट के काफी समर्थक आए हुए थे यहां पे जो विधायक दल की बैठक चल रही थी और उनके पक्ष में नारेबाजी हो रही थी। इसको देखकर आज काफी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है यहां पे, आप देख सकते हैं प्रशासन ने काफी सुरक्षा के इंतजाम है। ये सुरक्षा के इंतजाम इसलिए तो नहीं है क्योंकि जिस तरीके से आपने अच्छा जिक्र किया कि कल जब विधायकों की बैठक चल रही थी तो बाहर जमकर नारेबाजी दोनों गुटों में, आज जब अशोक गहलोत पहुंचे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए तो वहां भी उस समय भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो पहुंचे हुए थे, अब सचिन पायलट के जो समर्थक है वो पहुंचे हुए थे, नारेबाजी हुई। हालांकि इस पर उन्होंने एतराज भी जताया था अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के सामने। तो कहीं ना कहीं कल जो टसल हुआ था इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई गई है कि कहीं आज जब नाम ऐलान हो तो उसके बाद दोनों गुट के समर्थक भिड़ न जाए एक दूसरे से।
जी बिल्कुल राकेश, ये भी संभावना है कि शायद आज शाम को भी समर्थक नाराज हो सकते हैं। अगर जैसे खबर आ रही है अशोक गहलोत का नाम तय हुआ है तो फिर सचिन पायलट के समर्थक नाराज होंगे, शायद नारेबाजी पे उतर आए, शायद विरोध में उतर आए यहां पे, और इस वजह से सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। मैं आपको ये बता दूं, ये सेम नजरिया अशोक गहलोत के निवास के भी बाहर है, वहां भी काफी पुलिस लगाई गई है, सचिन पायलट के घर के बाहर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। तो ये लगभग तय था कि दोनों गुटों में जो जिसका भी नाम का ऐलान होगा वहां समर्थक नाराज तो होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राकेश, सचिन पायलट को कैसे मनाया जाएगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कल शाम को ये खबर आ रही थी कि शायद सचिन पायलट और सीपी जोशी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सचिन पायलट शायद इससे खुश हो जाएंगे कि उनको एक मंत्रिमंडल में एक उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा, मगर इसको सचिन पायलट ने साफ नकारा। हमारे सूत्रों से सुनने में आया था, उन्होंने कहा ये उनके कद कद के छोटा है और इस वजह से वो मुख्यमंत्री पद पाने से संतुष्ट नहीं होंगे, और इस वजह से शायद आज फिर से दोबारा जो है दिल्ली में चर्चा हुई इस बात को लेकर, और फिर कोई उप मुख्यमंत्री रखने के का नतीजा लिया गया और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा लिया गया है, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ राकेश, हमारे सहयोगी को भी इस वार्ता में शामिल करता हूँ। राहुल गौतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वो इस वक्त अशोक गहलोत के निवास पे हैं। अशोक गहलोत के निवास पे राहुल, खूब आतिशबाजी और खूब पटाखेबाजी और नारेबाजी चल रही थी, क्या माहौल है वहाँ जरा हमें दिखाइए और बताइए। बिल्कुल सही कहा होता है, देखिए जवाबड़ा तो अभी भी लगा हुआ है समर्थकों का, और जो भीड़ है यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आपको पूरा नजारा दिखाएं, यहाँ पर जितने भी समर्थक यहाँ पहुंचे हैं कल रात से इसी अनाउंसमेंट की राह देख रहे हैं कि कब अशोक गहलोत का जो नाम है उस पर फॉर्मली मोहर लग जाएगी, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उनको बना दिया जाएगा क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनी, और जिसके बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। मैं चाहूंगा रत्नेश पांडे को ऊपर एक दिखाए बड़ी दिलचस्प तस्वीर, ये विनिंग शॉट होता है, जैसे ही अशोक गहलोत यहाँ पर एंटर करेंगे, ये फोटोग्राफर्स हैं जो विनिंग शॉट जिसको होते हैं जो कैप्चर करेंगे, जो सदा के लिए यादगार बनेगा। देखिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत, और कई चीजें थी जो उनके हक में गई, जैसे कि हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, अनुभवी है, दो बार से मुख्यमंत्री रह गए, दो बार सेंट्रल मिनिस्टर रह गए, सांसद है, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, और यहां तक कि जो हमने जो बदले हुए राहुल गांधी को देखा गुजरात इलेक्शन से, उसमें भी कहीं ना कहीं रोल रहा अशोक गहलोत का, जो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन को मैनेज किया अशोक गहलोत ने, उसका भी एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है अशोक गहलोत को, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को जो अपनी छवि है आप कह सकते हैं उसको सुधारने में बहुत फायदा हुआ। मैं अभी आपको और दिखाऊं नजारा, यहाँ पर राहुल ये सारे फैक्टर्स अशोक गहलोत के पक्ष में रहे और इस वजह से शायद उनकी नाम पर मुहर लगी है, जैसे हमारे सूत्र बता सब बने रही है। जैसे आप कह रहे हैं वहां पे जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है अशोक गहलोत के निवास पे, शायद वो लोग कहीं नहीं जाएंगे जब तक वो जयपुर ना पधारे। खबर ये आ रही है कि वो जयपुर के लिए रवाना किसी भी वक्त हो सकते हैं और शायद एक डेढ़ घंटे में अपने निवास में पहुंचेंगे अपने समर्थकों को मिलने के लिए। मगर रजत राकेश टंडन भी हमारे संग जुड़ चुके हैं, वह लगातार राहुल गांधी के घर के बाहर से रिपोर्टिंग करे आ रहे हैं सुबह से। रजत, क्या माहौल है अभी वहां पे, क्या राजस्थान की रणनीति अब पूरी हो चुकी है, मुहर लग चुका है अशोक गहलोत के नाम पे, अब क्या चर्चा मध्य प्रदेश पे शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए जो मध्य प्रदेश की चर्चा थी वो शुरू हो गई थी, पहले महासचिव इंचार्ज दीपक बाबरिया ऑब्जर्वर एके एंटनी पहुंचे हुए थे राहुल गांधी के यहाँ। अब से कुछ देर पहले जो कैंपेन कमेटी के चीफ रहे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब से 5 मिनट पहले वो भी राहुल गांधी के घर पहुंच गए। लेकिन हमारी जो खबर है कि दूसरे रास्ते से राहुल गांधी फिलहाल यहां से निकले हैं और 10 जनपद यानी सोनिया गांधी से मिलने गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। 5 मिनट पहले गए, माना जा रहा है कि आधे घंटे बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने के बाद वापस आएंगे। तब तक दीपक बावरिया, एके एंटनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल राहुल गांधी के घर पे ही हैं और मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा और चिंतन शुरू हो गया है।
जी मैं विजयलक्ष्मी पे भी जाऊंगा जो भोपाल में है, मगर एक एक यू नो एक संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा रजत इस मुद्दे पे कि हम देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी जैसे आप बता रहे हैं कि शायद सोनिया गांधी के निवास पे गए हैं, सोनिया गांधी की सलाह लेंगे मुख्यमंत्री के नामों पर। पहले प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के निवास पे आई थी राजस्थान के मुख्यमंत्री पर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी काफी दुविधा में है अभी क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस यूनिट भी दो खेमे में बटा हुआ है, मध्य प्रदेश का कांग्रेस यूनिट भी दो या तीन खेमे में बटा हुआ है, तो बड़े सोच संभल के ये निर्णय ले रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। इस वजह से शायद राहुल गांधी अपने तमाम सेंटर और स्टेट के नेताओं के अलावा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से भी चर्चा ले रहे हैं और राय ले रहे हैं। वो राहुल गांधी करना चाहते हैं जो स्टेट के विपक्ष में हो और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो 2019 के लिए, तो उस कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के लिए जो कई और सीनियर नेता थे कांग्रेस पार्टी के उनसे भी फोन पर बात करी है राहुल गांधी ने। प्रियंका गांधी भी सवेरे से राहुल गांधी के पास आ गई थी जब ये मीटिंग्स चल रही थी, उसके बाद राहुल गांधी इस वक्त सोनिया गांधी के घर गए हुए हैं। आमतौर पर ये टाइम लंच का भी होता है तो कई बार राहुल गांधी लंच अपनी मां के साथ ही 10 जनपद पर करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इसमें बहुत ऑब्वियस वो नहीं है, लेकिन हाँ लंच पर होंगे तो हो सकता है कुछ बातचीत हो जाए। कांग्रेस प्रेसिडेंट रही है इतने साल तक सोनिया गांधी, राजनीति की मंजी हुई खिलाड़ी मानी जाती है, तो हो सकता है कि एक राय मशवरा हो सकता है कि क्या करना चाहिए, पार्टी के लिए क्या अच्छा होगा, स्टेट के लिए क्या अच्छा होगा, 2019 में कॉम्पेटेबिलिटी किसकी ज्यादा हो सकती है, तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल मध्यप्रदेश के जो नेता है जो हमारे साथ बने रहिए, मैं भोपाल में विजयलक्ष्मी का रुख करता हूँ। अब विजयलक्ष्मी भोपाल में क्या चर्चा चल रही है, दिल्ली में अब निर्णय लिया जा रहा है मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में किसका राज तिलक होगा या दिल्ली दरबार में फैसला तो लिया जाएगा, मगर आपके सूत्रों से विजयलक्ष्मी किसका नाम लगभग तय है, फ्रंट रनर कौन है मध्य प्रदेश में? उदय मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो शायद कमलनाथ के नाम पर मोहर लगाए आज देर शाम, हालांकि बैठक जो है वो शुरू हो गई है। जैसा कि रजत बता रहे थे 12 तुगलक लेन जो राहुल गांधी का आवास है दिल्ली में, वहां पर तमाम जो मध्य प्रदेश के नेता हैं वो पहुंच गए हैं, मंथन होगा। राजस्थान में भी मंथन हुआ, काफी लंबा जो है वो मीटिंग हुआ। यहां पर मध्य प्रदेश भोपाल में हम हैं पीसीसी कार्यालय के बाहर से खड़े होकर के ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। कल रात में देर रात तक मीटिंग चली, एके एंटनी आए जो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपॉइंट उनको किया गया, उन्होंने फीडबैक लिया वन ऑन वन, सारे जो नेता थे जो एमएलए हैं न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस पार्टी के उनसे बातचीत की, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं, कौन जो है वो अखला मुख्यमंत्री होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने दिग्विजय सिंह से भी बात की थी जिसमें दिग्विजय सिंह ने एक तरीके से पूरा इशारा किया कि अगले मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ हो सकते हैं। उन्होंने कहा आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने आपको इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव इशारा किया विजयलक्ष्मी कि कमलनाथ बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री, आइए हमारे दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुना देते हैं दिग्विजय सिंह विजयलक्ष्मी से वार्ता करते हुए इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व